हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो दोस्तों। बीए एआईबी, ठीक है ना, बीए ऑनर्स एआईबी, बेसिकली आपका कट ऑफ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा नहीं हुआ एडमिशन, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपके नंबर कम आए, परेशान बहुत ज्यादा हो, तो वीडियो को ध्यान से देखो। आपको मैं ये बता दूंगा कि आपके एडमिशन होने के चांसेस कितने परसेंट है। तो भैया, अगर आपने बीए एआईबी का एग्जाम दिया था, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान थे आप लोग कि आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इंतजार करो, ठीक है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आ चुकी है और दोस्तों केवल बीए एआईबी जो है आपका बीएचयू के मेन कैंपस में है, एफएमसी के अंदर है, ठीक है। वीडियो देख लो, कंफर्म हो जाओगे किसका होगा किसका नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि भैया अब जो है बीए एआईबी मेन कैंपस में है, जो जनरल कैटेगरी है 490 जिसका आया है उसका भैया आराम से एडमिशन हो गया है। फिर ईडब्ल्यूएस का 482 है, ओबीसी का 468 है, एससी का 410 और एसटी का 369। तो भैया अब बहुत सारे बच्चे परेशान है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो भैया अगर आपका 490 है ना, अगर आपका 480 से ऊपर है, कितना है, 480 से ऊपर है, ठीक है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी का हो जाएगा मेन कैंपस में, बहुत ज्यादा। सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में आपको सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। किसी का ईडब्ल्यूएस में 482 है, तो भैया अगर आपका 475 से ऊपर नंबर आया है तो आपके चांसेस है। किसी का ओबीसी में है 468, 460 से ऊपर है, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जितना भी नंबर आपका कट ऑफ दिख रहा है उससे 5 से 6 नंबर नीचे करके देख लो, अगर आप उसमें आते हो तो आपका एडमिशन दोस्तों मेन कैंपस के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग इससे आइडिया लगा लोगे कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहिए, जैसे ही सेकंड कट ऑफ आएगी तो सबसे पहले आपको हम लोग बताएंगे, ठीक है। मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।